नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रैक्चर वेंडिंग मशीन के एक नए वीडियो में। क्या आप भी चाहते हो कि आपका वेंडिंग मशीन बिजनेस एक प्रॉफिटेबल बिजनेस हो? तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है आपका लोकेशन। जी हाँ, चाहे आप हाईटेक वेंडिंग मशीन लगा लो या डिमांडेड प्रोडक्ट ही क्यों ना रख लो, जब तक आपकी मशीन एक सही लोकेशन पर ना रखी हो तब तक प्रॉफिट नहीं जनरेट कर सकती वो मशीन। तो घबराने की जरूरत नहीं है, इस वीडियो में हम वो सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे जिससे आप एक अच्छी प्रॉफिट जनरेट कर पाओगे। तो सबसे पहले हम उनकी फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे जो हमें लोकेशन डिसाइड करते वक्त ध्यान में रखने चाहिए। सबसे पहले आता है फुटफॉल, एक ऐसी जगह जहां पे लोगों का आना जाना लगा रहता है, जैसे कि शॉपिंग मॉल, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेजेस इत्यादि। अब बढ़ते हैं टारगेट ऑडियंस की तरफ। सबसे पहले हमें अपने टारगेट कस्टमर्स को समझना होगा, उसी हिसाब से हमें अपनी लोकेशन डिसाइड करनी होगी। जैसे कि अगर हमारी टारगेट ऑडियंस स्टूडेंट है तो हमें कॉलेज या स्कूल के आसपास वेंडिंग मशीन लगानी चाहिए, और अगर आपके टारगेट ऑडियंस वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं तो ऑफिस कॉम्प्लेक्सेस बेस्ट ऑप्शन रहेंगे। टारगेट ऑडियंस और लोकेशन डिसाइड करने के बाद अब आती है विजिबिलिटी की बात। मशीन लगाते वक्त आपको ध्यान में रखना है कि आपकी मशीन क्लियरली लोगों को विजिबल हो, आपकी मशीन के सामने किसी भी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन ना हो। हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि वेंडिंग मशीन एक लग्जरी प्रोडक्ट है, इसीलिए लोकेशन इसका एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अब आते हैं और एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर में। वेंडिंग मशीन को स्मूथ रन करने के लिए एक स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत होती है, तो इस बात का जरूर ध्यान दें कि आप जहाँ पे भी मशीन लगाएं इंटरनेट कनेक्शन अच्छी होनी चाहिए। वेंडिंग मशीन का एक और बड़ा पार्ट है उसकी रिफिलिंग प्रोसेस। वेंडिंग मशीन को रिफिलिंग की ज़रूरत उसके सेलिंग पैटर्न के हिसाब से पड़ती है, तो इसीलिए अपनी वेंडिंग मशीन को अपने वेयर हाउस से ज़्यादा दूर ना रखें। आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। इफ़ यू वॉन्ट टू स्टार्ट वेंडिंग मशीन बिजनेस, Fragjyoti is here for you.